अयोध्या में आज मंदिर निर्माण समिति की बैठक का ये दूसरा दिन है। बैठक में ये तय किया जाएगा कहाँ तक काम हो चुका है, कितना काम और होना है और कैसे काम चल रहा है। तो पहले दिन मंदिर निर्माण की प्रगति और योजनाओं पर चर्चा की गई थी। आज दूसरा दिन है, चबूतरे का काम सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। और बैठक के बाद समिति ने मंदिर निर्माण का जायजा भी लिया है। राम कथा कुंड में भी मूर्तियों का निरीक्षण किया गया है। तो दूसरा दिन है बैठक का, सितंबर तक चबूतरे का काम पूरा हो जाएगा और 2024 क्योंकि लक्ष्य रखा गया कि 2024 तक मंदिर बनकर तैयार हो जाए, लिहाजा उसको लेकर काम किया जा रहा है कि कितनी तेजी से काम किया जा सकता है। मूर्तियों को लेकर भी निरीक्षण आज किया जाएगा। ग्रेनाइट पत्थरों से 21 फीट ऊंची चबूतरा बनाया जा रहा है। धीमी गति से चबूतरे का निर्माण पहले किया जा रहा था जिसमें तेजी लाई गई। नृपेंद्र मिश्रा की अगुवाई में निर्माण समिति की बैठक होगी और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, हर महीने मंदिर निर्माण समिति की बैठक होती है और इस बार भी वही बैठक नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। नहीं है, जीवन प्रसंगों में जीवन की लीलाओं के को मूर्ति रूप दिया गया है। अभी इन मूर्तियों का उसको रंग भरा जाएगा, चौपाई के अनुसार पीछे बैकड्रॉप की पेंटिंग की जाएगी, धूल धूप से बचाव के लिए उसको चारों तरफ ग्लास से कवर किया जाएगा, रात्रि में प्रकाशित हो इसलिए प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।